हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक बाई आर पी इंडिया यूट्यूब चैनल दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे की नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे आर आर सी रेलवे का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो भी अपने मोबाइल फोन से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वेलाइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सको तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आर आर सी डब्लू सी आर अप्रेंटिसिप के लिए यहाँ पे न्यू रिकॉयरमेंट आई हुई है जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 18 नवंबर 2022 से और इसका लास्ट डेट होने वाला है 17 दिसंबर 2022 तक एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जनरल ओबीसी ईवीएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हंड्रेड रुपीज़ की फ़ी लगने वाली है वहीं एस सी और पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं रखी गई है और यहाँ पर ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर कोई फ़ी नहीं है एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 15 से 24 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 2521 पोस्ट आई हुई है जिसका आप वैकेंसी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की वेबसाइट पे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स मिल जाएगा जो कि यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड आउट कर लीजिएगा उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे मैं अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे मैं क्लिक कर लेता हूँ जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा दोस्तों अगर आपका अकाउंट पहले से है तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर लेना है जैसे आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगी तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम मदर का नेम उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए नेशनलिटी उसके बाद यहाँ पे रिलीजन मैरिटल स्टेटस उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी देन यहाँ पे अगर आप एक सर्विस मैन है तो यहाँ पे आप ए सी एन ओ कर लीजिए उसको दोस्तों यहाँ पे अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप ए सी एन ओ सिलेक्ट कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे आप उसको दोस्तों यहाँ पे अपना आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर एंटर कीजिए उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क पहचान चिन्ह आपके शरीर में क्या है तो यहाँ पे इंटर कीजिए उसके बाद यहाँ पे दूसरा पहचान चिन्ह उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उसके बाद यहाँ पे अपना उसके बाद यहाँ पे अपना डिवीज़न सेलेक्ट कीजिए उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेड यहाँ पे अपना ट्रेड का यहाँ पे नाम इंटर कीजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंटर करना है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे टेंथ का यहाँ पे डिटेल्स देना है तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम दे देिए उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर रोल नंबर उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर उसके बाद यहाँ पे ओपटेंट मार्क उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने आई का आई पे डिटेल्स देना है तो यहाँ पे आपका आई का यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉलेज का नेम उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर रोल नंबर सर्टिफिकेट नंबर उसके बाद यहाँ पे ओपटेंट मार्क टोटल मार्क उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट काउंसलिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है सारा डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस इंटर करना है उसके बाद यहाँ पे अगर, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आपको एस कर लेना है अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी इंटर कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड उसके बाद यहाँ पे डिक्लेसन को रीड आउट करना है देन यहाँ से चेक मार्क पे क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लेना है सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना यहाँ पे फॉर्म का प्रिव्यू चेक कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स फ़िलअप किया है वो सही या फिर नहीं अगर नहीं सही है तो यहाँ पर आप एडिट बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिक्लेसन को चेक मार पे क्लिक करना है देन इस कैप्चा कोड को यहाँ पे इंटर करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है तो यहाँ पे आप फोटो का साइज देख लीजिए जो कि यहाँ पे पाँच सौ के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जे पी जी या फिर जी पी एन जी फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पे सिक्स मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर लेना है उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है तो यहाँ पे सिग्नेचर का भी साइज़ देख लीजिए जो कि यहाँ पे दो के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जे या फिर पी फॉर्मेट में होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे टेंथ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो यहाँ पे जो है टेंथ का सर्टिफिकेट यहाँ पे पीडीएफ फ़ाइल में होना चाहिए और पाँच सौ के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो यहाँ पे ये भी पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और यहाँ पे पाँच सौ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो यहाँ पे ये भी पाँच के बीच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लेना है जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अपलिकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अब दोस्तों तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटन को यहाँ पर रीड आउट करना है उसके बाद यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे फी पे करना है तो यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालिए उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट उसके बाद यहाँ पे अपना कार्ड होल्डर नेम उसके बाद यहाँ से आपको पे नाव पे क्लिक कर लेना है जैसे आप पे नाव पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर